इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद की मलकाजगिरी में 51 में से 36 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मलकाजगिरी एक बार फिर आपको याद दिला दें, ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, योगी आदित्यनाथ ने, इन तीनों बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी, यहां पर रोड शो किए और उसका असर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहां की 51 में से 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इसमें से 36 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। हैदराबाद की टैली भी आपके सामने है, यहां पर 43 में से 42 सीटों के रुझान आए हैं। यहां पर भी बीजेपी और एमआईएम बराबर नजर आती है, 16-16 सीटों पर आगे चल रही है। ये देखिए आपके सामने 43 में से 42 सीटों के रुझान, और अब मलकाजगिरी एक बार फिर से आप देखिए 51 में से 44 सीटों के रुझान। और ये क्यों जरूरी है, आप देखिए बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर प्रचार करने के लिए उतरे, योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार करने के लिए उतरे। इसी से जुड़ी हुई कुछ और खबर, कुछ और अपडेट हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लौट रहे हैं।